हेलो फ्रेंड्स, मेघालय में आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम जा रहे हैं डाउकी, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर है और कैपिटल शिलोंग से 80 किलोमीटर्स की दूरी पर है। हम रात को रुके थे सोहरा यानी चिरापुंजी में। सोहरा से जब वापस शिलोंग की तरफ आते हैं तो 30 किलोमीटर्स पहले ही राइट हैंड साइड में हाईवे जा रहा है जो सीधा बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है। यह रास्ता चिरापुंजी वाले रास्ते से भी ज़्यादा खूबसूरत था। एक तरफ हरे भरे पहाड़ तो दूसरी तरफ मनमोहक वादियाँ। जगह जगह व्यू पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ खड़े होकर आप इन हसीन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप हाईवे से 20 किलोमीटर्स ऑफ रूट ड्राइव करते हैं तो आप जा सकते हैं एक गाँव में जिसका नाम है मालिनोंग। मेघालय टूरिज्म ने इस गांव को काफ़ी प्रमोट किया है। कुछ साल पहले तक इस गांव को कोई नहीं जानता था, लेकिन 2003 में इस गांव को एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया। तभी से यहां पर टूरिस्ट का तांता लगना शुरू हो गया और अभी हम जा रहे हैं मालिनोंग गांव की तरफ। वो कहते हैं ना कि मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत रास्ते हैं, ये बात इस मालिनोंग गाँव के लिए बिल्कुल चरितार्थ है। हमने सुबह 8:30 बजे चिरापुंजी से अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और 3 घंटे की ड्राइव के बाद दिन में 11:30 बजे हम पहुंच गए मालिनोंग गांव में। और यहां पर हमें एंट्री फीस देनी पड़ी 100 रुपीज़। इस जगह को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। हर जगह साफ सफाई थी और एकदम पीसफुल एरिया था ये। कृतेंग अगेन खुबलाई। मेघालय में खासी लैंग्वेज बोली जाती है। हमने भी कुछ फ्रेज और सेंटेंसेस सीख लिए थे, उन्हीं को हम बच्चों पर ट्राई कर रहे थे। काय कृतेंग अगेन दोबारा ओके खुबलाई। खासी लैंग्वेज में खुबलाई का मतलब होता है थैंक यू। हम बच्चों के नाम तो पूछ ले रहे थे, लेकिन यदि कोई हमें कहे कि हमको रिपीट करे तो वो शायद नामुमकिन था। खासी एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है हमारे लिए, उतने ही डिफिकल्ट है वहां के बच्चों के या जगह के नाम। गांव में कोई खास मेजर अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ का जो एटमोस्फियर है वो एकदम पोल्यूशन फ्री और बहुत ही पीसफुल है, इसलिए यहाँ पर आप काफ़ी समय बिता सकते हैं। खाने पीने के ज़्यादा फूड ऑप्शंस नहीं हैं, कोई गिनी चुनी चाय की दुकानें हैं और एक छोटा रेस्टोरेंट है। इस गांव में एक ट्री हाउस भी है जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 20 रुपीज़ पे करके आप इसके ऊपर जा सकते हैं। ये एक तरह का वॉच टावर है। इस वॉच टावर से बांग्लादेश का प्लेन एरिया दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारा देश है वो ऊंचाई पर है और जो नीचे का जो एरिया है वो बांग्लादेश के अंदर आता है। काए का काने कृतिंग सुनों मालिनोंग एंड व्हाट्स योर नेम? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? And see, some girls tie on this way, some other this way. What is this? This is Dangarsha. Huh? Dangarsha. Okay. You don't understand Hindi? No. Okay, thank you. Khublai, khublai. लगभग आधे घंटे यहाँ पर बिताने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े। मालिनोंग गांव के पास ही एक दूसरा गांव पड़ता है जिसका नाम है रिवाई। रिवाई गांव जाना जाता है अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए, लेकिन कुछ इश्यू के चलते यहां पर टूरिस्ट की एंट्री बंद कर रखी थी। यहां के लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि आप पास में एक नोवेट गांव है, वहां पर भी लिविंग रूट ब्रिज है, आप वहां पर चले जाइए। अगेन इस गांव का रास्ता भी बहुत ही ब्यूटीफुल था और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए नोवेट गांव के अंदर। गांव में एंट्री करते ही हमने अपनी टैक्सी पार्क कर दी। जो लिविंग रूट ब्रिज है वो गांव के
बैक साइड में है, काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है। बाद में हमें पता चला कि यहाँ तक टैक्सी आ सकती है, लेकिन जब हमने ड्राइवर को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए हमें पैदल ही लिविंग रूट ब्रिज तक जाना पड़ा। यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि थाईलैंड की महारानी ने इस ब्रिज की मेंटेनेंस का जिम्मा लिया हुआ है। यहाँ पर एक रीजनल मूवी की शूटिंग भी चल रही थी। यदि आप ब्रिज पर वॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, और एंट्री टिकट थी 40 रुपीज़ की, जो हमने अवॉइड कर दिया। अभी हम जिस एरिया में हैं वो ज़्यादातर प्लेन एरिया है, लेकिन जंगलों से घिरे हुए हैं, हर तरफ जंगल ही जंगल है। अगेन रास्तों की ब्यूटी को अप्रिसिएट करते हुए हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, और थोड़ी ही देर में हमें ये फेंसी दिखाई दी। हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये बांग्लादेश के लिए फेंसिंग लगाई गई है। अभी हम बॉर्डर के साथ साथ जा रहे हैं। सितंबर मंथ में ट्रैवल करने का फायदा ये होता है कि आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, खास करके यदि आप हिल एरिया में जाते हैं तो, लेकिन गर्मी भी उतनी ही तेज होती है। रास्ते में हमें कई वाटरफॉल दिखाई दिए, लेकिन गर्मी की वजह से हमारी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और फाइनली हम पहुंच गए उमंगट रिवर पर, जो हमारी आज की मेजर हाईलाइट थी। इसी रिवर के लिए हम इतनी दूर आए थे। ये पुल क्रॉस करके अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। यह रिवर टूरिस्ट के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यदि आप नवंबर से लेकर मार्च के बीच में यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और इस नदी में बोटिंग करते हैं, तो बोट में बैठे बैठे आप नदी की बॉटम देख सकते हैं और इसमें तैरती हुई मछलियों को भी देखा जा सकता है। आइए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि इस महीने में इस रिवर का पानी कैसा है। पानी एकदम क्लियर नजर आ रहा था और रंग भी एकदम अलग था, एमराल्ड ग्रीन कलर का पानी दिखाई दे रहा था। लेकिन बोटिंग करने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, धूप बहुत तेज थी और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। बोटिंग के यहाँ पर चार्ज हैं 700 रुपीज पर आवर। कुछ ही देर में हम वापिस आ गए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और अब हमें जाना था आगे की तरफ, यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ वर्कर्स दिखाई दिए और हम देख रहे थे कि उन्होंने किस तरह से ये अलग तरह की टोकरी यूज कर रहे हैं पत्थर वगैरह ढोने के लिए। बॉर्डर पर ट्रकों की लाइन लगी रहती है। मेघालय के अंदर जो पहाड़ काटे जाते हैं उनका पत्थर लेकर ये ट्रक बांग्लादेश में जाते हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हमारे आज के फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो है ये बांग्लादेश बॉर्डर। यदि आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो इमिग्रेशन चेक वगैरह की फॉर्मेलिटी करके आप बांग्लादेश में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कई बांग्लादेशी सिटीजन मिले, हमने उनसे बातचीत की, उनके साथ बैंक नोट एक्सचेंज किए। यहाँ पर जो BSF के जवान हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उनके साथ सेल्फी ली। और ठीक 3 बजे हमने सभी को कहा बाय और अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट की। डाउकी से शिलोंग सिटी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ी रास्ता है इसलिए काफ़ी टाइम लगता है ड्राइविंग में, और जगह जगह बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है जहां पर आप बिना रुके आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमने जल्दी ही अपनी वापसी यात्रा स्टार्ट कर दी थी। वैसे मेघालय में सूर्यास्त भी 1 घंटे पहले हो जाता है दिल्ली के अपेक्षा। जंगल होने की वजह से भी अंधेरा जल्दी हो जाता है, और जो मेन शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट हैं वो बहुत ही जल्दी बंद हो जाती हैं, तो इसलिए जल्दी चलने में ही यहाँ से भलाई थी। जब हम वापस आ रहे थे तो मौसम एकदम चेंज था। सुबह जो धूप निकली हुई थी अब पूरी तरह बादल छाए हुए थे, और वो सभी वादियाँ जो धूप में चमक रही थी अब उन्होंने बादलों की चादर ओढ़ ली थी और एक अलग ही नज़ारा प्रस्तुत कर रही थी।
मेघालय में ये दो मेन रूट हैं जिन पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। एक तो ये आज का डोकी बॉर्डर वाला रूट और दूसरा चिरापुंजी वाला रूट। यदि आपने चिरापुंजी के अट्रैक्शंस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। मेघालय में हम 4 दिन की यात्रा पर हैं। लास्ट डे हमने क्या किया उसको जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।